अपने ऊपर अपनी चादरें ओढ़े रखे। हमारी बेटियां अब क्या करती हैं? और सच्ची बात है, बाप के तौर पर मैं दुख से ये बात अर्ज कर रहा हूँ, आज हमारी बेटियां जो दुपट्टा घर में ले रही होती हैं, बाहर निकलते वक्त उसी दुपट्टे को जरा फैला के सर पे डाल लेती और थोड़ा सा नाक तक ढांप लेती, सारा माथा पूरी आंखें आधा चेहरा खुला है, सारा जिस्म सारा लिबास जिस्म कपड़ों के रंग ऊपर के लिबास का रंग निचले लिबास का रंग चाल ढाल जिस्म खतूत फिगर हर चीज नजर आती है, सिर्फ वो दुपट्टा जो सवा दो मीटर का घर में बेटियां लिए बच्ची होती हैं, जब बाहर निकल रही होती हैं तो जरा सा उसको खींच के बड़ा करके ले लेती हैं। ये मेरी बहनों पर्दे के साथ ये मजाक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के गजब को ये दावत देना। हमारी बेटियों को ये चाहिए एक अच्छे बाप के तौर पर मैं बर्दे दिल से जो नसीहत अपनी बेटियों को घर में करता हूँ वही इसी इस्लाम में मैं अपनी बेटियों को बहनों को नसीहत करता हूँ। जब बाहर निकलना हो, इस्लाम ने औरत को कैद नहीं किया, जरूरत कुसरा के तहत औरत बाहर आ सकती है, वो बाजार में जा सकती है, औरत तालीम हासिल कर सकती है, अपनी इज्जत को इज्जत को तहफ्फुज़ देकर औरत अपनी जिंदगी के जरूरी जरूरी काम कर सकती है। अल्लाह ताला ने इस्लाम ने औरत को कैद नहीं किया, लेकिन उसका वकार उसकी आबरू उसकी शख्सियत कि कोई मर्द उसकी तरफ बुरी तमाशे न देख सके, अपना नाम उसके साथ नाजायज न जोड़ सके, कोई मर्द उसके वजूद से फितने में ना आ सके, वो किसी की गंदी निगाह से फितने में ना आ सके, इसके लिए ये जरूरी है कि जब वो बाहर निकले पूरे बुरका में हो पूरी चादर में। और बुरके के लिए ये बात मैं तस्लीहन अर्ज कर रहा हूँ कि वो एक इजाफी कपड़ा होता है। घर के कपड़े क्या है? एक कमीज है, एक पायजामा है, एक चुनरी दुपट्टा है, ये बाहर का कपड़ा नहीं होना चाहिए। बाहर निकलते वक्त इन तीन कपड़ों के अलावा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक आई हुई बेटी को, एक मुस्लिम औरत को, एक सहाबिया को जो कम उम्र थी कम सिन थी आई, उसका कपड़ा पतला था छोटा था, हजरत आयशा ने अपने पास से उसको बड़ी चादर, जैसा माँ बेटी की तरबियत करती है, अपने पास से बड़ी चादर उड़ा के उसको देने दी। तो हमारी बेटियां जब घर से निकले, बाप सामने हो तो देखे, भाई देखे, कहे नहीं वापिस पलट, हमारी आबरू है हमारी इज्जत है, चल बड़ा दुपट्टा ले, बड़ी चादर हो, ऐसी चादर जिसने पूरा उसका सर से लेकर पांव तक जिस्म ढांपा जाए, ताकि उसके जिस्म के खतूत उसकी चाल बजा पता कपड़े लिबास का रंग कोई चीज बाधे ना, ये लाजमी जरूरी है मेरी बहनों, इसको इख्तियार करो, अल्लाह ताला की नाराजगी मूल न लो। ऐसे पर्दा भी करना और पर्दे का मजाक करना कि उसमें थोड़ा सा हिस्सा ढांपा है थोड़ा सा खुला, ना वो पर्दा है ना वो बेपर्दा है, इस्लाम की भी बेवकारी है और उसके साथ साथ मजाक और तंज का तशबीह का निशाना बनना। तो पर्दा वो जो अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा उसको इख्तियार कीजिए, चादर के हवाले से और उसके साथ रिश्तों के हवाले से। आखिरी बात, वक्त ज्यादा हो गया, बहुत सी बातें सच्ची बातें कहने को भी चाहता लेकिन आपका वक्त बिगड़ना नहीं चाहते, रिश्तों के हवाले से कि पर्दे कहाँ कहाँ हो। मैंने पर्दा को इसलिए जिक्र किया कि बतौर खास इसको तोड़ दिया गया, और जब पर्दा टूट गया तो इस्लाम का बहुत बड़ा हिस्सा धड़ाम से गिर गया। अब हमारी बहने बेटियां पर्दा करती हैं, अव्वल वो उधूरा करती हैं कि चादरें पूरी नहीं होती, चेहरे ढांपे नहीं होते, हाथ पांव ढांपे नहीं होते, उसके साथ रिश्तों में हम बहनोइयों से जेठ से देवर से रिश्तेदारों से कजन से कोई पर्दा नहीं करता, क्योंकि वो मेरा कजन है, वो मेरा बहनोई है, वो मेरा जेठ है, वो मेरा देवर है, नहीं मेरी बहनों ये गलत है। हर उस रिश्ते में पर्दा है जिसमें अल्लाह ने पर्दा कर दिया, हर उस रिश्ते में पर्दा है जहाँ शादी हो सकती है, जहाँ निकाह जायज है वहाँ पर्दा वाजिब। ये एक जनरल उसूल है, कायदा है, इसको कायदा समझिए। कभी कोई मौलवी हाथ लगे कभी ना लगे, आप कहें अच्छा मैं अब क्या करूँ, साफ समझिए कि हर वो रिश्ता जहाँ निकाह हो सकता है, क्योंकि महाजल्ला वहाँ गुनाह का इम्कान है, लिहाजा पर्दे का हिसार सिपाही हिसार वहाँ मौजूद। तो याद रखिए, सालियों से पर्दा है, देवरों से पर्दा है, जेठ से पर्दा है, और उसके बाद ये जो खालू से पर्दा है, फूफा से पर्दा है, तमाम ऐसे रिश्तों से जहाँ निकाह हो सकता है किसी भी शक्ल में, वहाँ पर्दा वाजिब है। हमारे घरों में ये है कि नहीं ये कजन है वो तो खामद का भाई है, अब देखो जी खामद का भाई घर में ना है, वो जी छोटा भाई है, हमारा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, हम एक घर में रहते हैं, भाई आपके सिस्टम सारे कबर से इधर है, कबर में एक सिस्टम होगा, अल्लाह कहेगा माँ भी लोग बोल तेरा कानून तेरा कायदा क्या था, पर्दा किया तो किसके हुक्म से किया, बिरादरी से या मेरे हुक्म से, सूरत नूर की आयत से या अपने रस्म रिवाज से। तो पर्दे के हवाले से मैं अपनी जानों पर ये वादे कर दूं कि लूले लंगड़े आधे अधूरे पर्दे काम नहीं दे,
देवर से पर्दा है, जेठ से पर्दा है, बहनोई से पर्दा है, उन सारे रिश्तेदारों से पर्दा है जिन रिश्तों में निकाह जायज हो सकता है। और वो पर्दा शरई हो, ये नहीं हो कि जैसे पर्दा हम दुपट्टों से आधा अधूरा करते, कजन से पर्दा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जहाँ पर्दा लागू किया वो हुर्रमत अलैकुम वाली आयात को देख कर बहने उसको पढ़ ले, तर्जुमा समझ ले और वहाँ वहाँ पर्दा इख्तियार करे। तो इस हवाले से औरतों के लिए अकीदा तौहीद को बेहतर करना, रसूमात बिदात खुराफात नजर नियाज ये चढ़ावे सारे के सारे, इन सब से दूर भागना, अल्लाह रब्बुल इज्जत को बराह रास्त पुकारना, या अल्लाह अल्लाहुम्मा अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह कबूल करने वाला है, अल्लाह मौत देता है, अल्लाह जिंदगी देता है, अल्लाह औलाद देता है, अल्लाह ही गोदारी करता है। ये सारी चीजें तौहीद के हवाले से, फिर नमाज और रोजा हज ज़कात के हवाले से, उसके बाद तालीम और तरबियत में इस हिजाब शरई के हवाले से। और इसके साथ साथ अब औरतों के लिए ये बहुत जरूरी है कि अल्लाह के फजल करम से जिहाद बढ़ रहा है, मुसलमान नौजवान उठ रहे हैं, तो इस हवाले से हमारी बहनों का भी हिस्सा बनता है कि वो जिहाद फी सबीलिल्लाह में अपना हिस्सा डालें। और उस हिस्से की शक्ल क्या है, अपने घर में तरबियत करें, मुसलमान औरतों के हालात को देखें, कश्मीर की औरतों के हालात, हिंदुस्तान की औरतों के हालात, अब्दोसीना अल्बानिया की औरतों के हालात। तो बीबियां अपनी नशितों में अपनी मजलिसों में जहाँ बैठे बजाय दूसरे के कपड़े जेवर देखने की, उसके बर्तन कटलरी देखने की बजाय, दो बेकार की दो बस शॉपिंग की बजाय, मुसलमान औरतें मुसलमानों के हालात पर डिस्कस करें, फिर जिहाद के हालात को डिस्कस करें, फिर अपनी तरफ से जितना हिस्सा हो सके जिहाद में डालें, फिर अपने भाइयों अपने बेटों अपने खामदों को इस्लाम की इज्जत और गैरत और गलबा के लिए उभारें, काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए आमादा करें। मुस्लिम औरत का ये रोल सहाबियात से लेकर चलता आया है, और आज जब जिहाद जारी है तो मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारी बीबियों के लिए ये जरूरी है कि वो जिहाद फी सबीलिल्लाह के हवाले से अपनी मालूमात को एनरिच करे, मुस्लिम उम्मा के हालात, मुसलमानों के मुल्क, उनकी सरहदों को देखे, मुसलमानों पर जो काफिरों के जुल्म है उनको देखे, और देख कर मुतासिर होकर फिर अपने खामदों को अपने भाइयों बेटों को इस्लामी जिहाद पर भेजे। ये आज हद जरूरी है। हाजा माइंदना वमा पुरानी मजीद में वो तमाम रिश्ते मजकूर है जिन रिश्तों के हवाले से पर्दा वाजिब है, तो बहनों से इल्तिमास है कि पुरानी मजीद की आयात सूरत पढ़ के देख लें, हुर्रमत अलैकुम चौथे पारे में जो आयात आती है और सूरत अन्नूर में जो आयात आती है उनको मिला के पढ़ के, और उन तमाम रिश्तों में अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ पर्दा वाजिब करार दिया वहाँ उसको शरई हुक्म के हवाले से इख्तियार करें।